नमस्कार मित्रों, गुरु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी दवा के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत सस्ती और हर व्यक्ति के घर में, गरीब से गरीब आदमी भी जिसको अपने घर में हमेशा रख सकता है। उसका नाम है हरीतकी। चाहे छोटी हरड़ हो चाहे बड़ी हरड़ हो, काम दोनों का बराबर है। जो हरीतकी है, जो हरड़ है, वो वात पित्त और कफ को का शमन करने वाला है। और जब वात पित्त और कफ वही बैलेंस में रहेगा तो कोई बीमारी ही नहीं हो सकती। चाहे वो सिर दर्द हो, जिसको सिर दर्द है, सिर दर्द की दवा खाने की जरूरत नहीं, हरीतकी खाइए। तीन ग्राम हल्के गर्म पानी से। जिनके बच्चे का मन पढ़ने में लग नहीं रहा है, बुद्धि कमज़ोर है, भूल जाने की बीमारी है, हरीतकी को 3 ग्राम की मात्रा शहद में मिला के सुबह शाम चाटें तो आपको सिर दर्द भी दूर हो जाएगा। और अगर इसी को शहद मिला के चाटते हैं तो यह बुद्धिवर्धक टॉनिक का भी काम करेगा। आँखों में कोई प्रॉब्लम है तो हरीतकी को पानी में रात को डुबा दीजिए 1 चम्मच हरीतकी को, और सवेरे उठ करके मुँह में पानी भर के आँखों में छींटा मारिए। आँख की ज्योति बढ़ेगी। आँख का जो भी रोग होगा, खाज, खुजली, मोतियाबिंद तक को काटने में सफल होता है। जिस व्यक्ति को भूख लगती नहीं, विभिन्न प्रकार के टाने पी पी करके अपने पेट को खराब भी कर रहे हैं, बीमारी को और बढ़ा रहे हैं, उन्हें केवल हरीतकी का चूर्ण अपना लेना चाहिए। रोज़ रात को अगर लेना चालू कर देंगे तो पाचन शक्ति भी अच्छी हो जाएगी, खाया पिया हजम भी होगा और भूख भी बढ़ेगी। जिन बच्चों को या जिन व्यक्तियों को, स्त्री पुरुष किसी को भी अपच के कारण दस्त हो जाते हैं, अतिसार जिसको बोलते हैं, अथवा कब्ज होता है, पेट साफ नहीं होता है, जिसके कारण कई बीमारियां होती हैं, केवल हरीतकी का चूर्ण सेवन करना चालू कर दीजिए, आपको कोई परेशानी जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। जिसको पीलिया हो जाता है, पीलिया के हो जाने से किडनी खराब होने का डर भी रहता है, लीवर खराब होने का डर रहता है, इसका विशेष प्रभाव लीवर पर ज़्यादा पड़ता है, उस स्थिति में अगर आप हरीतकी के चूर्ण को शहद के साथ मिला के चाटते हैं तो आपका पीलिया तब ठीक हो जाएगा। अगर जिसको पेशाब का प्रॉब्लम है, पेशाब में जलन है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, कम कम आ रहा है, वहाँ पर भी आपको हरीतकी काम करेगा। लेकिन वह मूत्र रोग जो है पेट के गर्मी के कारण है, तो अगर पथरी के कारण है तो फिर पथरी का तो निदान करना पड़ेगा, जिसको हम एक दिन से लेकर एक हफ्ते में पथरी निकाल देते हैं, या कहीं से इलाज कराओ। लेकिन आपको पथरी के कारण अगर पेशाब में प्रॉब्लम है तो वो ठीक करना पड़ेगा। अगर प्रोस्टेट बढ़ गया है तो उसके कारण आपको प्रोस्टेट को सही करना पड़ेगा, इत्यादि। किसी प्रकार का भी चर्म रोग हो, खाज, खुजली, एक्जिमा या कुष्ठ रोग तक अगर है, हरीतकी का चूर्ण सेवन करने से और हरीतकी को जला करके कोयला बना करके शहद में मिला करके आप लगाते हैं उस चर्म रोग में तो भी फायदा करेगा। अगर किसी को बुखार है, बुखार की अलग दवा खाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल हरीतकी को आप जो है शहद मिला करके सुबह शाम 2 टाइम से लेकर 3 टाइम तक भी चाट सकते हैं, उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। पित्त के अधिक बढ़ जाने से, कभी नाक से, कभी कान से, या कभी भी पेशाब की जगह से, अन्य जगह से रक्त निकल सकते हैं, ऐसी जिनको प्रॉब्लम होता है, या नसीर जिनको ज़्यादा फूटता रहता है, उनके लिए भी यह अमृत तुल्य कार्य करेगा। जिन माताओं बहनों के सूजन हैं पैर में, चेहरे में, लेकिन उसका कारण जो है अन्य प्रॉब्लम ना हो, किडनी के प्रॉब्लम के कारण सूजन ना हो, तो यह जो है पेट के खराबी के कारण वात की वृद्धि हो जाने पर जो है सूजन आता है उसको भी दूर करने में बड़ा सहायक है। और इस प्रकार से अपने सूजन को दूर करके घुटने का दर्द में भी बहुत काम करता है। अगर दांत में दर्द है, तमाम प्रकार के जो केमिकल वाले मंजन करने कोई आवश्यकता नहीं है। हरीतकी का जो चूर्ण है उसको हाथ में लेकर के उसमें कुछ नमक या फिटकरी पाउडर भी डाल सकते हैं, और उससे दांतों की मालिश किया जाए मसूड़ों की, तो हर प्रकार के दांत के रोग दूर हो जाते हैं। अन्य इसी प्रकार से और किसी बीमारी के बारे में आपके जानने की इच्छा हो, अथवा किसी भी बीमारी के बारे में आप दवा जानना चाहते हों या इलाज जानना चाहते हों, तो आप हमारे गुरु आयुर्वेदा में अपने वैद्यों से संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।